सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जहां सरकार पर लगातार हमलावर हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यूपी के सुल्तानपुर में मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बीजेपी कानून पर विश्वास नहीं करती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आगे कहा कि मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस। नियमों की धज्जियां उन लोगों की ओर से उड़ाई जा रही हैं जिन पर उनके पालन कराने की जिम्मेदारी है। वर्दी पर लगी खून की छींटे साफ होनी चाहिए। यूपी एसटीएफ पर सवाल खड़े करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस प्रोफेशनल फोर्स को बीजेपी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। उन्होंने पूछा कि क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई, आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों बचा रहा है। कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। बता दें कि यूपी एसटीएफ ने सुल्तानपुर में सराफा व्यापारी के यहां डकैती मामले में शामिल 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को 5 सितंबर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मंगेश यादव जौनपुर का रहने वाला था। समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंगेश यादव था इसलिए उसका एनकाउंटर किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा था कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साध कर सरेंडर करा दिया गया। कुछ लोगों के पैरों में केवल दिखावटी गोली मारी गई। मंगेश यादव का एनकाउंटर उसकी जाति को देखकर किया गया। विपक्षी दलों के आरोपों के बीच शनिवार को एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सुल्तानपुर के डीएम के आदेश पर लंबुआ एसडीएम विदुषी सिंह को इस मामले की जांच सौंप दी गई है।